नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव। अभी हम लोग हैं सहदेवगंज में। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सजा है मंच, समाजवादी कलर के लगा हुआ झंडे लगे हुए हैं और यहाँ पे लोग इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि धर्मेंद्र यादव जी चुनाव जीतने के बाद संसद भवन में शपथ लेने के बाद एज ए सांसद यहाँ पर पहली बार अपने जो एक क्षेत्रीय है उसमें दौरे पर आ रहे हैं, तो ये लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले यहाँ की सबसे बड़ी समस्या जो है वो बाढ़ की, कहे तो सृष्टि की शुरुआत से, उसके बाद 75 साल हो गया आज़ादी को, लेकिन इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। एक समस्या का समाधान में ये जो जिस रोड पे हम लोग खड़े हैं ये है ना, वरना इसके जो यमुना जी का पानी था वो और आगे तक घाघरा जी का जाता था। अभी थोड़ी सी सहूलियत हुई है लेकिन बहुत सारे ऐसे गाँव हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो अभी भी बाढ़ से पीड़ित हैं। आप यहाँ के ग्राम प्रधान हैं, तो क्या लगता है कि पिछली बार लोग यहाँ से कितने सारे लोग बहे थे, कितनी ज़बरदस्त बाढ़ आई हुई थी, कोई मतलब यहाँ पे सहूलियत हुई है इस बार में? पिछले साल तो कम आई थी, पिछले साल आई थी। जी, बाद बहुत तड़ी आई। हाँ जी, इसके बाद फिर अब बारिश आ गई है। हाँ। तो क्या आप लोग तैयारियाँ किए हुए हैं? हम लोगों को तैयारी सरकार जो कल तैयार करे, हम लोग तो जो बारह मास साहब तैयारी कर। एक जो गोरखपुर गोला वाला वो बांध सड़क बन रही है उसका भी सुनने में आया कि काफ़ी असर पड़ रहा है क्योंकि जगह जगह उसको बांध करके रोक दिया गया है और पानी का बहाव जो है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं रुक रहा है, तो उसका क्या असर पड़ेगा इस एरिया में पूरे? जैसे हमारे यहाँ ये महुला गढ़ बांध है। हाँ। उधर भी बांध है। हाँ। अब पानी बीच में रुकता, दोनों फूलेगा ऊपर जाएगा, इतने बाढ़ के अधिकारिक संभावना हो जाती है, परेशानी बढ़ जाती है। तो आगे आने वाली समस्या में उस बांध की वजह से और समस्या बढ़ने वाली है। बढ़ का बढ़ती है। हुँ? जी, तो इसी कारण आप लोग कहीं ना कहीं एक बार धरना भी दे रहे थे यहाँ पर उस गढ़वा महुला गढ़वर बांध पे, वहाँ पे लोग धरना भी दे रहे थे, क्या उसके सदस्यों में आप थे? नहीं, हम लोग उधर नहीं थे। तो जो धरना दे रहे हैं क्या उनको जायज ठहराते हैं कि मतलब आप धरना दे रहे हैं तो हम लोग उनके साथ में, क्योंकि किसी उन्हीं पर्टिकुलर उन्हीं लोगों की समस्या नहीं है, जो इस बांध के उत्तर साइड में है सारे लोगों की समस्या यही है। वो लोग जो धरना दे रहे हैं कि एक बंधा और मांग कर रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं कि हमको एक रिंग रोड भी चाहिए। जी, सर्कल में बांध चाहिए। जी, लेकिन आप लोग नहीं मांग कर रहे हैं? संभव ना है, संभव नहीं है। काहे? नदी किनारा पड़ जाएगा तो बंद तुरंत काट देगी नदी ना। नदी का कटाव इस नदी में बहुत अधिक होता है। हाँ। अगर बंधा बनेगा तो काट भी सकती है। तो वो लोगों की मतलब मांग नाजायज है, फिर क्यों मांग कर रहे हैं? उनको कहीं ना कहीं किसी ने बताया होगा कि अगर बांध बन जाएगा तो सहूलियत हो जाएगी, लेकिन नदी में कटाव न हो तब जायज रह ले, नदी में हमेशा कटाव लगता है। जब यहाँ पे पिछली साल मतलब 2 साल पहले बाढ़ आई हुई थी तो उस टाइम हम जब आए हुए थे तो नाव से यहाँ पे हम लोग गांव में गए हुए थे, तो वो लोग भी तो मांग कर रहे थे, उधर के नहीं इधर के लोग भी मांग कर रहे थे कि चाहिए हमें। आप नदी किनारे के पूरे हैं, नाम क्या हुआ आपका? राम जी यादव। क्या समस्या है, मतलब कि जो आप रिंग रोड बांध की बात कर रहे हैं, लोग सर्कल में बांध की बात कर रहे हैं, तो अगर उसे बन जाएगा तो सहूलियत हो जाएगी कि मतलब जैसे कि अंकल जी कह रहे हैं कि उसे कोई फायदा नहीं क्योंकि कटाव हो जाएगा? होगा ना, जो हम लोग गाँव वो बचेगा, सरकार अगर बंधा बांध देगी तो जो कटाव की बात अंकल जी तो फिर कटाव वो रोकेगी, सरकार तब रोक देगी ना, उसका ठोका लगा कर उसको रोक देगी कि वह कटान इधर न हो पावे, इस तरीके की व्यवस्था गवर्नमेंट सरकार दे। जब रिंग बांध बनाएगी तभी अगर सरकार। अभी आप देख रहे हैं कि जगह जगह जैसे अयोध्या की बात कर ले, एक रोड बना हुआ है, आज बंधा है लेकिन इससे फ्लड ऊपर जा रहा पानी, इस बंधा का खतरा और पीछे अंदर जो गांव है यहाँ से पार भी, ये सड़क पार भी पानी चला जाता है। कभी ऐसा अवस्था आती है अगर पानी का फ्लो हो गया ऊपर तो बंधा कट भी सकता है, कटने की कई बार कट भी चुका है, कटने की उम्मीद रहती है। और जहाँ गढ़वा की बात करें हैं वहाँ कितना बंधा के सट के कटान हुआ, जो प्राइमरी स्कूल कभी आप गई होंगी नहीं उधर नहीं गया, हाँ, लेकिन किनारे हाजीपुर से लेकर के गढ़वल तक। हाँ। वह कटान एकदम साइड में है लेकिन वहाँ रिंग रोड बना था, जो ही रिंग रोड तोड़ा है वो बंधे के कटान में आ गया, यहाँ भी रिंग रोड बन जाए भविष्य के लिए, या कोई टेक्नोलॉजी विकसित करे गवर्नमेंट कि वहाँ के लोगों को कोई असुविधा न हो। नहीं, टेक्नोलॉजी तो ऐसी कोई विकसित नहीं की जा सकती क्योंकि नेचर है ये, जब रिंग बांध से कम 500 गांव से ज्यादा। नीरव कह रहे थे ना कि अगर हम आएंगे तो फिर जो है कि करवा देंगे, फिर आप लोगों ने उनको हरा दिया। नीरव तो चौकी कम से कम ही बांधा 20 चौकी खुलवा दिए हैं बेचारी, हार गए मोदी जोगी की तरह। वो भी जैसे बिहार में 15 महीने में कितना 13 पुल टूट गया,
तो उस तरह हाँ तो उसी तरह नहीं रहो भी शिलान्यास 200 किए हैं लेकिन काम नहीं करना है केवल शिलान्यास करना है। अरे जिसका शिलान्यास किया उसका यूज हो रहा है कि मतलब बर्बाद ही है उसका यूज कहाँ से होगा जब बनेगा नहीं तो बना ही नहीं। जब आप बताइए अयोध्या में 15 किलोमीटर में 13 गड्ढा बना है जिसमें 18,000 करोड़ कितना कितना लागत लगी है 13 किलोमीटर में 13 गड्ढा हुआ वो 8 फुट नीचे तक बताइए कैसी कैसी सरकार है कौन सी कौन हम लोगों की समस्या हल कर देगी वो तो बिहार में तो सरकार नहीं रही उनके नीतीश कुमार की तेजस्वी की रही लालू यादव की रही तेजस्वी की रही है भाजपा अरे ये बताइए हमको जब जा रहे थे प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने जिस पुल का वही पुल उनके जाने के पहले गिर गया तो कैसे सरकार दूसरे की थी अब बताइए आप जैसे आप इसको बताइए ना क्यों जैसे उद्घाटन हमारा हम काम उस पुल बनवाए अंडर कंस्ट्रक्शन रहने के बावजूद मतलब उसका निर्माण कार्य चल ही रहा है और पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है ढह जा रहा क्या कमी लगती है क्या वहाँ राखी समस्या यहाँ से समस्या खत्म नहीं होगी। आप यहाँ का जो ले रहे हैं या तो बंधा बन जाए या तो कोई विकल्प कर जाए जैसे या सड़क गए जैसे आपने टेक्नोलॉजी की बात करी थी अगर आप अंदर इसलिए मैंने किया कि जैसे गांव जाकर आगे जो गांव मिलेगा अब बीच में पानी ज़्यादा लगता है यहाँ पुल बनाया जाए बीच में पुल बनाया जाए पानी जब पुल बनेगा तो पानी क्रॉस करेगा तो उस गांव में आने जाने की जो गांव आगे है वहां आने जाने की अगर मान लीजिए यह सड़क पर पुल बन जाए पुल अब कहां कहां बनेगा जहां जरूरत वहां बन जाए 2 बार जगह टूटा है 3 बार तीन जगह टूटा है अगर 3 जगह टूटा है तो 3 पुल बनाया जाए अब पुल ऐसा बनाया जाए कि लंबा हो जो पानी क्रॉस कर जाए यह विकल्प बनाया जाए। जैसे हमने गोला वाला की बात की जगह जगह तो उसमें बना हुआ है लेकिन छोटा छोटा बना हुआ है और वहाँ के लोगों से हमने बातें करी तो कहाँ जहाँ पे पुल बना मतलब पुल बना हुआ है वहाँ वहाँ नदी बन जाएगी वह देखिए अलग चीज है। अगर पुल बन गया यहीं से पुल बन गया पानी यहीं किनारे लगता है आगे गाँव है तो वहाँ ऊंचाई पर है लेकिन पानी यहाँ लगता है यहाँ पुल बन जाए लंबा पुल बना ताखा लंबा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। और केवल इस गोपालपुर निर्वाचन क्षेत्र में 5 पुल चाहिए 5 किसी की सुविधा नहीं होगी। यहाँ पे विधायक जो है कि वो रहे हैं नफीस अहमद जी नफीस अहमद रहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है सरकार उनकी नहीं है। अरे नफीस अहमद तब से है जब यहाँ पे वो भी अखिलेश यादव थे तब से भी है। अच्छा अखिलेश यादव थे उसके पहले या देखिए वो समय वसीम थे वो न कोई विधायक हो सपा का ही था ना। अगर सपा का हाल लेकिन कोई कार्य योजना अगर तैयार नहीं हो पाई तो उसको दूसरा पढ़ नहीं किया जा सकता। आज के डेट में सर्वे योजना आयोग होता है समझी तो योजना आयोग से सर्वे नहीं हो पाया मादिए कहीं पुल सड़क बनवा रहे हैं इतनी पूर्वांचल इतनी सड़क इतना पुल बना है तो एक बैग सारी जगह नहीं बन पाएगा। जब अवसर आया तो गवर्नमेंट चली गई। अगर होती आपको उम्मीद है कि अगर होती अखिलेश यादव सरकार तो आपका काम हो गया होता। देखिए ये तो मेरी गारंटी है मुझसे आप बात कर रहे हैं मेरे पिता यहाँ से 15 साल क्षेत्र के विधायक रहे हैं और सारा निर्माण उन्हीं का कराया गया है अवसर नहीं मिला और जब अवसर मिला ये एक सवाल बीच में बनता है। अरे आप कंटिन्यू करिएगा मेरी माँ फांसी उस समय पैसे का अभाव था वह व्यवस्था नहीं थी अब आज पैसे की व्यवस्था हुई तो गवर्नमेंट की व्यवस्था हम लोग को नहीं मिल रही है। हम ये भी कह रहे हैं ना कि जब आपके पिताजी के सारा विकास कार्य आपके पिताजी का ही किया हुआ है इस एरिया में तो फिर हारे कैसे वो हारना तो अलग चीज है जब यही बात है ना यही सवाल तो उठता है जो काम करता है वो भी हार जाता है जो नहीं काम करता वो भी आई है। आज इस रोड से आई है महाराजगंज से अरे सुनिए खराब के मत जाइए वहाँ जाइए जिस समय रोड बना है तो रोड बना तो सबकी जमीन चली गई उस समय दिमाग में आया कि मेरा खेत चल गया तो जनता तो मौके पर अपना रोष व्यक्त कर दी मेरे पिताजी हार गए तो उसमें यह जनता का दोष नहीं है वह समय की दोष है। आज वही का जितने काशकार हैं जितने यहाँ के पब्लिक बॉडी हैं उसी का लाभ ले रहे हैं। अगर सड़क के किनारे 10 कड़ी अगर छूटा है तो 1 बीघा के बराबर हो है लेकिन अब उसका समय होने के बाद आज 20 साल 25 साल 35 साल के बाद लेकिन आज का समय उस समय तो नहीं है। आज हमारी सरकार नहीं है सरकार तो आज भी की जनता भी तो उसी तरह कहीं ना कहीं वो वही काम कर रही है उसको भविष्य नहीं समझ में आ रहा है और यहाँ पे आक्रोश
व्यक्त कर रहे हैं। जनता को चाहिए, अब वो समस्या इधर की साल हो चुकी है करीब करीब, अब फ्लड एरिया जहाँ है वहाँ व्यवस्था चाहिए। यह सांसद से संदेश गया है, हो सकता फिर आज यहाँ पब्लिक प्लेस पर लोग कहें, इसका कहा जाएगा कि इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए। सोल्यूशन दो है, या तो वहाँ बंधा दूसरा बन जाए, या तो कोई यहाँ से जो रोड गया है, रोड गया है हर गांव से कनेक्ट कर दिया जाए और बीच में पुल बना दिया जाए। हाँ, पुल बनाने में लगा, लोगों को आने जाने में सहूलियत हो जाए, क्योंकि एक लोग पिछली बार जब बाढ़ आई थी तो कितने लोग बह गए थे। 3 महीना अगर नाव नहीं चलेगी, साइकिल से मोटरसाइकिल से, हर साल ऐसा होता है कि कभी किसी किसी साल, जैसे मान लीजिए बाढ़ आ गई तो बाढ़ में तो दूर बादल फटने की समस्या तो हर साल होती है। अलग चीज है, फ्लड एरिया है ये, बाढ़ तो हर साल आना है, कभी बंधे के नीचे कभी बंधे के ऊपर। तो इसकी सब नाव हर साल चलती है, चाहे कम चाहे ज्यादा। पहले हर जोत करके लोग किए हैं, टेक्नोलॉजी हो गई तो हर नहीं जोत रहे हैं, कोई ट्रैक्टर चल रहा है, उसी तरह से विकास कर दें कि जहाँ गांव जो हमारा फ्लड एरिया से बाहर हो जाए। निरहू ने काफी, निरहू की बात मत करिए, काफी वो क्या हुआ था तो क्या उससे आप लोग सहमत नहीं हुए? यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों है, निरहू को कोई पूछने वाला नहीं है, सांसद यहाँ के थे। वही हमने कहा कि केंद्र में भी बीजेपी है, राज्य में भी बीजेपी है, विधायक है, भाजपा की गवर्नमेंट में कोई विधायक अपने चीफ मिनिस्टर से बात नहीं कर पा रहा है कि मेरे यहाँ मेरे क्षेत्र में जनता का ये आवश्यकता है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही। तो विपक्ष कैसे कर पाए? अच्छा, विपक्ष अब विपक्ष मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट में, देखिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट आज के डेट में विपक्ष मिला है, मोदी योगी अमित शाह सारे नेता हाँप रहे हैं, क्यों हाँप रहे हैं? जनता का उसमें 1 मिनट जनता का उसमें प्लस हो गया, आगे हो सकता है जनता प्लस कर दे, जनता आगे प्लस कर देगी, हो सकता है हम लोगों का यहाँ का विकास हो जाए। एक सवाल ये भी लोग कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन कभी भी हो सकता है, आपको क्या लगता है? सत्ता परिवर्तन तो जन्मीन है, यह प्रकृति का, प्रकृति का नहीं, इस वाले मोदी सरकार कभी भी जा सकते हैं, नीतीश कुमार कभी पलटी मार सकते हैं। अब देखिए, अब उसका हमसे मत करवाइए। आपको क्या लगता है? हमको लगता है कि 3 महीने की गवर्नमेंट है, बस 3 महीने के बाद जाएगी, हो सकता है यहाँ 3 महीने के बाद चली जाए तो डायरेक्ट यहाँ का सांसद ऐसा है डायरेक्ट अनाउंस करेगा कि जो कही हम बनवा दें डायरेक्ट। ये मेरा चैलेंज है, ये अखिलेश जी पर, माननीय अखिलेश जी पर मेरा चैलेंज है जो उन्होंने करके दिखाया पूरे उत्तर प्रदेश में, इसलिए मैं दावा के साथ कर रहा हूँ। दूसरी बात, मेरे पिताजी 15 साल, मैं 35 साल से राजनीति से दूर हूँ, मैं 35 साल से दूर हूँ, फिर भी मुझे खुशी है। क्यों दूर आप हो गए? हो गए, कुछ परिस्थितियाँ थी, लेकिन आज भी सारे लोगों का दिल हमारे साथ है, सारे लोगों के दिल में हम लोग हैं, पूरे परिवार के सही। नहीं, राजनीति तो अच्छी होती है ना, कि आप किसी एरिया का अगर राजनीति में अच्छा आप जम गए, आप तो विकास कर सकते हैं, बढ़िया काम कर सकते हैं, बिना राजनीति के बाहर कैसे कर पाएंगे? इस परिस्थिति में अगर हमारे परिवार का राजनीति में नहीं आया तो हम आज जुड़े हैं कि जनता का भलाई हो, किसी स्तर पर भलाई हो, हम भले राजनीति में न रहें, हमें भले न विधायकी मिले, लेकिन यहाँ का लोगों का आंसू पोंछने का हमको असर सरकार दे, गवर्नमेंट दे, कोई भी दे, ये हमारा आग्रह है। ये तो सही है, जब सरकार अपने मन पसंद होती है तो काम भी अपने मन पसंद ही होता है। सरकार तो बन गई सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंशियल। हाँ, मतलब जिसे आप कह रहे हैं कि 3 महीने की सरकार अब और बाकी है। कहीं भी आप देख लीजिए, कहीं कोई विधायक एमपी सांसद मिनिस्टर कहीं आज तक उद्घाटन करते हुए पाया गया हो? वह उद्घाटन जो शिलान्यास और जो विकास हुआ उसका उद्घाटन कर रहा, जो जो सड़क बन गया, पुल गया, पुलिया बन गई, सारे विकास का वो उद्घाटन कर रहा, जबकि अखिलेश यादव माननीय उसका उद्घाटन कर चुके हैं। आज की नई गवर्नमेंट लोग उद्घाटन करें, यह सच है, आप पत्रकार हैं, आपको कोई चीज़ भी नहीं है। हाँ, वो तो है ही है? आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम रामधनी यादव है, इसी बगल में महेशपुर ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान रहे हैं। तो बाढ़ की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, आपके एरिया में कैसी स्थिति? देखिए, ये बाढ़ की जो समस्या है, इस क्षेत्र के लोगों की बुनियादी समस्या है, और इस समस्या को जब तक हल नहीं होगा तब तक इस क्षेत्र का विकास भी नहीं होगा। इसलिए नहीं विकास होगा कि यहाँ के लोग बहुत मेहनत कश लोग हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन बाढ़ में उनका सारी फसलें जो नष्ट हो जाती हैं उसकी भरपाई 2-3 साल तक नहीं हो पाती है। इसलिए यहाँ जो जब तक यहाँ कोई बुनियादी समस्या का हल नहीं होगा तब तक यहाँ के लोगों का विकास नहीं होगा। यहाँ पे देखिए आ गए हैं धर्मेंद्र यादव जी, हम
तो इनसे बातें करेंगे, इनका इंटरव्यू लेने का प्रयास करेंगे और अभी के लिए इतना ही। बाढ़ की समस्या जो है उसको हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।